सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर छंदों के बारे में चलते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं छंद शास्त्र। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट के रूप में आता है, उसमें छंद से कम एक क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका बेसिक जानेंगे कि छंद होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिसको हम छंद शास्त्र कहते हैं, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, है ना। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। किसी भी रचना में यदि बंधन नहीं होता है तो वो गद्य की सीमा में आ जाती है। तो पद को पद बनाए रखने के लिए, पद रचना को पद बनाए रखने के लिए उसमें कुछ बंधन नियम आवश्यक होते हैं। इन बंधन नियमों को ही छंद शास्त्र कहा जाता है। जिस प्रकार हम गद्य के नियमों को व्याकरण कहते हैं, उसी प्रकार पद के नियम छंद शास्त्र कहलाते हैं, है ना। आपको मालूम है जो गद्य के नियम होते हैं उन्हें व्याकरण कहा जाता है, उसी प्रकार पद के नियमों को छंद शास्त्र कहा जाता है। छंद के पिता, छंद के पुत्र, जिस प्रकार रस के पिता भरत मुनि है, उसी प्रकार जो छंद शास्त्र है, छंद के पिता पिंगल ऋषि को माना जाता है। छंद के पिता पिंगल ऋषि को माना जाता है, इसलिए छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। छंद शास्त्र का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यदि क्वेश्चन में आता है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि छंद जिस धातु से बना है उस धातु का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो छंद जो होता है, छंद जो है छद धातु से मिलकर बना है, और छद धातु का मतलब होता है आनंदित करना या फिर खुश करना, ठीक है। इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, आपको नोट करते जाना है, है ना, क्योंकि मैं बहुत सारा डाटा लिख नहीं सकता पहले से। तो छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। छंद के पिता भरत, छंद के पिता पिंगल ऋषि को कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं इसमें कुछ क्या क्या है। देखो यहाँ पे यति गति तुक और गण, जो इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में जानना है कि यति क्या होता है, गति क्या होती है, तुक क्या होती है और गण क्या होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे गणों का अर्थ होता है समूह, है ना, गणों का अर्थ होता है समूह। तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए गण का अर्थ होता है समूह, और कितने वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, तो तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लोगे, तो इनकी संख्या आठ होती है, इनकी गणों की संख्या आठ होती है, और एक गण होता है वो तीन अक्षरों से या तीन वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिसका नाम है यमाता राज भानस लगा, यमाता राज भानस लगा। इस प्रकार से आप गणों के नाम जान सकते हो। तो गणों के नाम, क्वेश्चन देखो कैसे आता है कि गणों की संख्या कितनी होती है, आठ। गणों का शाब्दिक अर्थ, गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, और जो गण होता है वो तीन वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो यदि सबसे पहला गण होता है यगण, पहला गण क्या होता है यगण, दूसरा गण होता है मगण, तीसरा गण होता है तगड़। जो अक्षर है ये गणों के नाम बताते हैं, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। तो कहां तक, यहां तक हो जाएंगे आठ गण, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। इससे हमें, इनसे गण कोई भी गण नहीं बनता, तो यहां से लेके सात तक के आठ गण बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे यगड़ की, तो यगड़ में कितनी मात्रा होती है, एक दो दो। तो यगड़ में कितनी मात्रा होती है, एक दो दो। इससे आपको इनके नाम भी पता चल जाएंगे कि आठ कौन कौन से गण होते हैं और किस गण में कितनी मात्राएं होती हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे। देखो तो क्या करना है आपको, या माता राज धानस लगा, अलग अलग करके याद करना है इसको, है ना। देखो यहाँ पे इस पहले याद करना है या माता, फिर राज, फिर भानस और फिर लगा, ठीक है। तो किस में कितनी मात्रा है ये देखने के लिए आप, जैसे मुझे पता करना है कि जगड़ में कितनी मात्रा होती है, जगड़ में तो जा में एक मात्रा है, इसके बाद धानस लिखा तो भा में दो हो जाएंगी और ना में एक हो जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार पता चल जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं आपसे कि जो गण होते हैं वो कितने होते हैं, आठ,
आठ गणों में से एक गण ऐसा होता है जिसमें एक 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 तीन मात्राएं होती है, और एक गण ऐसा होता है जिसमें दो 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 छह मात्राएं होती है, ठीक है। और इसके अलावा तीन गण ऐसे होते हैं जिसमें चार मात्राएं होती हैं, और तीन गण ऐसे होते हैं जिसमें पांच मात्राएं होती हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक गण ऐसा होता है जिसमें एक मात्रा तीन मात्राएं होती हैं, एक गण होता है जिसमें छह मात्राएं होती हैं दो दो दो, और तीन गण होते हैं जिसमें चार मात्राएं होती है। कौन से? देखो एक दो एक और दो एक एक और एक एक दो, तो इनमें किसकी मात्रा हो जाएगी? चार। और तीन गण ऐसे होते हैं जिसमें पांच मात्राएं होती है, मैंने बोला, तो देखो दो दो एक और दो एक दो और एक दो दो, तो ऐसे तीन गण हैं जिसमें कितनी मात्रा है? पांच मात्रा है। तो कहने का मतलब होता है कि गणों में कम से कम मात्रा होती है तीन, और ज्यादा से ज्यादा होती है छह, है ना। तो एक गण में तीन मात्रा होती है, एक गण में छह मात्रा होती है। तो वो कौन सा गण है जिसमें तीन मात्राएं होती है? तो वो होता है नगण। तो वो गण कैसे याद कर सकते हो? यहाँ पर नगण लिखा है एक एक एक, है ना, नगण में एक 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 होती है। और तो कौन सी गण में होती है? नगण में तीन मात्रा होती है। और यदि मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा गण है जिसमें छह मात्राएं होती है, तो देखो माता रा दो 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 हो जाएगी इसमें, तो मगड़ में होती है। यहाँ पे याद करना है आपको मगड़, है ना। तो मगड़ में छह मात्रा होती है, नगड़ में तीन मात्रा होती है। इसके अलावा आप इससे इस फॉर्मूले से सभी गणों की मात्राएं किसमें कितनी है आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। बस इसके बाद हम चलते हैं यति क्या होती है, गति क्या होती है, ठीक है ना। यति और गति एक दूसरे के विपरीत है, मतलब विलोम है। यदि हम बात करें कि यति, तो यति का अर्थ होता है ठहराओ या फिर रुकाओ, ठीक है ना। जैसे कि हम जब भी किसी पद को पढ़ते हैं, है ना, यदि किसी भी चौपाई को पढ़ते हैं, तो चौपाई को पढ़ने पर प्रत्येक पद के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। इस रुकाव को या ठहराव को ही, इस विराम को ही क्या कहते हैं? हम यति कहते हैं। और गति का मतलब होता है लय, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं तुक की, तो तुक क्या होता है? किसी भी चौपाई को पढ़ते समय जो अंतिम पदों का जो मेल होता है उसे हम कहते हैं तुक, है ना। तो यति गति तुक, बस आपको याद रखना है। यति का मतलब होता है ठहराओ, रुकाओ या फिर विराम, है ना। और तुक का मतलब तो आपको मालूम होगा, गति का मतलब मालूम होगा कि ये गति में पढ़ी जाती है। कोई भी रचना, आप कोई भी चौपाई, दोहा, सोठा, कुछ भी पढ़ रहे हो, ये गति में पढ़ी जाती है ना। अब हम बात करते हैं कि जो छंद होते हैं, छंदों के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना। तो छंदों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, और तीसरा है मुक्तक छंद, है ना। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। याद रखना, जो मात्रिक छंद होता है इसमें वर्णों की मात्राओं के अनुसार नियम निर्धारित होते हैं। ऐसे छंद जिसमें वर्णों की मात्राओं के अनुसार नियम निर्धारित होते हैं उसे कहते हैं मात्रिक छंद, है ना। वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों की संख्या के अनुसार नियम निर्धारित होते हैं। तो ऐसे छंद जिसमें वर्णों की संख्या के अनुसार नियम निर्धारित होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्णिक छंद। एक होता है तीसरा मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में वर्णों की, ना ही वर्णों की मात्राओं के अनुसार और ना ही वर्णों की संख्या के अनुसार कोई भी नियम नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे उन छंदों को बोलते हैं मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद लिखना बड़ा आसान है, कोई भी लिख सकता है क्योंकि कोई भी नियम नहीं है। लेकिन यदि आप मात्रिक छंद लिखना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि मात्राएं एक लिमिट में हो, है ना। सब मात्रिक छंद में या सब मात्रिक छंद कोई भी लिखोगे तो मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वर्णिक छंद या वर्णिक छंद लिखना चाहोगे तो उसमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप मुक्तक छंद लिखते हो तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना बस आपको, है ना, ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं जो मुक्तक छंद होता है इसकी शुरुआत किसने की। मुक्तक छंद की स्टार्टिंग की है जूही की कली, एक कविता है निराला की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्तक छंद की शुरुआत की है, और कहां से? जूही की कली से, ध्यान रखना, है ना। तो अब हम बात करेंगे जो मात्रिक छंद है इसके बारे में, ठीक है ना। तो एक नेक्स्ट चैप्टर में हम मात्रिक छंद के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो मात्रिक छंद से आते हैं, ठीक है। कोई भी एक चौपाई दे देंगे आपको, पूछेंगे कौन सा छंद है ना। तो आपको ये भी याद रखना कि मात्रिक छंद कौन सा होता है। चौपाई, रोला, गीतगा, हरि गीतगा, दोहा, सोरठा और लाला, ये सबके सब क्या होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं, है ना। तो इस छंदों के बारे में बेसिक नॉलेज थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मात्रिक छंद सारे पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको कुछ भी इससे नया सीखने को कुछ मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।